तो टीवी पे सबसे पहले रियलिटी शो को शुरू करने वाले शोएब इलियासी आखिर हैं कौन? आखिर कैसे वो एक टीवी के प्रोड्यूसर बने, एंकर बने, और कैसे रियलिटी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के जरिए अपने नाम का डंका पूरी मीडिया इंडस्ट्री में बजवाया? आइए देखते हैं। Hello and welcome to the program once again. Fugitive, the most wanted, Rashtriya Rajdhani ke hamare studios mein apraadh ke khilaaf andolan roopi is karyakram mein aap tamam darshakon ka khair maqdam karta hai. I am Shoaib Ilyasi, your host. A very warm good evening to you. आज भले ही टेलीविजन की दुनिया पर कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक जैसे दिग्गज कलाकारों का दबदबा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भारतीय टेलीविज़न पर रियलिटी शो की शुरुआत शोएब इलियासी ने ही की थी। 90 के दशक में शोएब इलियासी टेलीविज़न की दुनिया के किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। इस शख्स ने अपने शो के जरिए खोजी पत्रकारिता की मिसाल पेश की। आप इस चेहरे को पहचान लीजिए, इस शख्स का नाम ब्रिजेश कुमार सिंह है। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से ब्रिजेश कुमार सिंह की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 2,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक ब्रिजेश सिंह पाकिस्तान की ISI एजेंसी के लिए काम कर रहा है और हमारे देश के साथ गद्दारी करने वालों को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। यू स्टे विद अस, वी जस्ट वार्मिंग अप। दिल्ली में पैदा हुए शोएब इलियासी ने जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई की। इसके बाद शोएब लंदन चला गया, जहां उसने टीवी एशिया में काम किया और जल्द ही वो इस चैनल में प्रोग्राम प्रोड्यूसर बन गया। साल 1996 में शोएब भारत लौटा। यहां वो एक प्रोग्राम बनाना चाहता था, एक ऐसा प्रोग्राम जो अपराधियों पर बेस्ड हो, जो बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने के बावजूद फरार रहते हैं। और शोएब ने एक क्राइम बेस्ड रियलिटी शो पर काम करना शुरू किया और उसने बनाया इंडियाज मोस्ट वांटेड। दोस्त, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अपने मुल्क और आवाम के साथ धोखा करने के बाद तुम्हें आजाद हवा में घूमने का कोई हक बाकी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सरेंडर के सिलसिले में इंडियाज मोस्ट वांटेड तुम्हारी मदद कर सकता है। लंदन से लौटे शोएब के इस शो की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अपने इस प्रोग्राम प्रपोजल के साथ शोएब कई चैनलों के मालिकों के पास गया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। कोई चैनल इस तरह के प्रोग्राम को प्रसारित करना नहीं चाहता था, लेकिन एक टीवी चैनल ने शोएब के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और इसे क्राइम रियलिटी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड को दिखाने का साहस दिखाया। शो के टीवी पर आते ही शोएब ने लोकप्रियता की एक नई कहानी लिख दी, जो देश का सबसे पहला और चर्चित रियलिटी शो प्रोग्राम बना। हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि आखिर क्यों कर उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से माफिया सरगनाओं को शराब, रेलवे या फिर दूसरे सरकारी ठेके नवाजे जाते हैं, और बेशक इन तमाम भ्रष्टाचारी सरकारी अफसरान और भ्रष्टाचारी नेताओं को जो कि इन माफियाओं के साथ मिली भगत रखते हैं, उन्हें सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए और इन्हें सजा सिर्फ आप ही दिलवाएंगे। साल 2000 में इंडियाज मोस्ट वांटेड शो को लेकर इलियासी का करियर पूरे शबाब पर था। हर तरफ शोएब के इस रियलिटी शो की चर्चा हो रही थी। खबरों की माने तो 6 साल के भीतर ही शोएब की मदद से पुलिस ने 135 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा। साल 2000 में शोएब पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगा और शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले ने शोएब को अर्श से फर्श पर लापटका। जमानत पर रिहा होने के बाद शोएब ने एक बार फिर इस तरह का प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो कुछ खास नहीं चल पाया और पत्नी का मर्डर केस ने शोएब की जिंदगी ही बदल कर रख दी। शोएब इलियासी का नाम जितनी तेजी से रोशन हुआ था, उसी तरह अंधेरे में गायब भी हो गया। और 17 साल बाद एक बार फिर शोएब का नाम मीडिया में है, लेकिन पत्नी की हत्या के दोषी के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। आपको बताएं, शोएब इलियासी के अलावा ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनकी शोहरत के आगे आ गए वो, और कोर्ट के मामले भी उनकी शोहरत के आगे आए। एक्चुअली ऐसा हुआ, ऐसे कई सेलिब्रिटी तो अपने केस से बरी हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सलाखों के पीछे सजा काटी। आइए देखते हैं। अगर हम ऐसे ही चर्चित सेलिब्रिटी की बात करें तो बॉलीवुड के संजय दत्त का नाम सबसे पहले सामने आता है,
जिन्हें 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में टाडा कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई, जो अब खत्म हो गई है। अवैध हथियार रखने और फिर उन्हें नष्ट करने के दोषी पाए गए संजय की कहानी 23 साल लंबी चली। 19 अप्रैल 1993 मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके घर पर तलाशी के दौरान एक AK-56 राइफल जब्त की। संजय दत्त ने अपना जुर्म कबूला और 3 मई 1993 को वो जमानत पर रिहा हुए। 4 मई 1994 को संजय दत्त की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। 16 महीने की सजा काटने के बाद संजय दत्त की जमानत मंजूर की गई और दिसंबर 1995 में संजय दत्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया। वो अप्रैल 1997 में जमानत पर बाहर आए और साल 2006 में संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए, लेकिन उन्हें टाडा एक्ट से जुड़े सभी मामलों से बरी कर दिया गया। 31 जुलाई 2007 को टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में 6 साल की सजा सुनाई। मुंबई बम धमाकों से संबंधित तमाम आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। उधर 2007 में संजय दत्त को गिरफ्तार कर पुणे की अरवड़ा जेल भेजा गया। संजय दत्त ने सजा के खिलाफ अर्जी दी और उन्हें जमानत मिल गई। 2 दिन बाद 22 अगस्त को ही उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने टाडा कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए संजय दत्त को सजा सुनाई, लेकिन सजा की अवधि कम कर उसे 5 साल कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दत्त को 4 हफ्ते के भीतर समर्पण करने को कहा। संजय दत्त को पुणे की अरवड़ा जेल ले जाया गया। यहाँ उन्हें अपनी सजा के बाकी 3 साल और 6 महीने बिताने पड़े और 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त रिहा हो गए। बॉलीवुड अभिनेता शाइन आहूजा पर साल 2009 में अपनी नौकरानी से रेप करने का आरोप लगा, जिसके खिलाफ शाइनी पर केस दर्ज हुआ। शाइनी ने अपने ऊपर लगे रेप के केस के खिलाफ एक अपील दायर की थी। सुनवाई के लिए अपील जस्टिस अभय थिप्साय के सामने दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने शाइनी के वकीलों अशोक मोडारकी और मनोज मोहिते की दलीलों को सुना। वकीलों का कहना है कि निचली अदालत ने गलत तरीके से अभिनेता को दोषी करार दिया। वहीं मुंबई की एक कोर्ट ने शाइनी को मार्च 2011 में दोषी करार बताते हुए 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई। शाइनी ने 2012 में एक अपील दर्ज कराई और उनके वकील ने जल्दी सुनवाई की मांग की। अपनी अपील में शाइनी ने बताया कि विक्टिम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गई थी और निचली अदालत के जज ने शाइनी को गलत सजा सुना दी है। चाइनी का यह भी कहना था कि पुलिस ने नौकरानी के फोन कॉल की डिटेल्स नहीं निकाली, वरना पहले ही पता चल जाता है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप गलत थे। इसके अलावा पुलिस ने CCTV फुटेज पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिनसे शाइनी का बचाव हो सकता था। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी पर 2005 में फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा, जिसके तहत अबू सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी को पुर्तगाल से भारत लाया गया। अबू सलेम पर अपनी दोस्त मोनिका बेदी के लिए सना मलिक कमाल के फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने का आरोप था। इस मामले में दोनों के प्रत्यर्पण के बाद 2006 में मोनिका बेदी को धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो कुछ इस तरह से सलाखों के पीछे पहुंचे सोएब इलियासी और अब सजा की कगार पे हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार। नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। भारतीय टेलीविजन का एक चर्चित नाम हुआ करता था शोएब इलियासी, जो पहली बार टेलीविजन की दुनिया में ऐसा क्राइम शो लेकर आया जिसके जरिए पुलिस ने करीब 135 अपराधियों को गिरफ्तार किया। और उस क्राइम शो का नाम था इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड। मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल्स की पड़ताल करने वाला, उन अपराधियों को दुनिया के सामने लाने वाला शोएब, जब अपनी पत्नी अंजू की हत्या का आरोपी पाया गया तो सबकी निगाहें उसी अपराधी पर आ टिकी। और अब कोर्ट की तरफ से पत्नी की हत्या का दोषी करार दिए जाने के साथ ही शोएब इलियासी बन गया इंडियाज मोस्ट वांटेड। भारतीय टेलीविजन का पहला और मशहूर क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के निर्माता और एंकर शोएब इलियासी
अपनी पत्नी अंजू की हत्या के दोषी साबित हुए। कोर्ट ने शोएब इलियासी को 17 साल पहले उनकी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया है। शोएब इलियासी को कोर्ट 20 दिसंबर को सजा सुनाएगी। ये मामला 11 दिसंबर 2000 का है। दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक है अंजू इलियासी की हत्या। पत्नी की हत्या का दोषी साबित हुआ मशहूर एंकर प्रोड्यूसर शोएब इलियासी। 20 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा। 11 दिसंबर 2000 का है ये मामला। इंडिया मोस्ट वांटेड के होस्ट थे शोएब। तलाश करने की ठानी है कैसे दुर्दांत कथित अपराधी को, जो आपराधिक वारदातें तो करता है लेकिन उसको कभी सजा न हो उसका भी पूरा इंतजाम करता चलता। अपने वक्त के एक मशहूर क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड, जो भारतीय टेलीविजन का पहला क्राइम शो हुआ करता था, जिसके प्रोड्यूसर और होस्ट थे शोएब इलियासी, जिसे दिल्ली की करकडूमा कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट 17 साल बाद 20 दिसंबर को दोषी को सजा सुनाएगी। ये मामला 11 दिसंबर 2000 का है, जब शोएब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अंजू ने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में केस पुलिस को काफी पेचीदा लग रहा था और पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान बैठी थी, लेकिन अंजू की माँ और बहन ने घटना के कुछ महीनों बाद कोर्ट में बयान दिया कि अंजू ने आत्महत्या नहीं की बल्कि शोएब ने अंजू को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। अंजू की माँ और बहन के बयान के आधार पर पुलिस ने शोएब को अपनी पत्नी अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उससे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस केस ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब मृतक अंजू इलियासी की मां ने कोर्ट में अपील की कि शोएब पर हत्या का आरोप लगाया जाए, जिसे ट्रायल कोर्ट ने शुरू में तो खारिज कर दिया, लेकिन 2014 में इस अपील के पक्ष में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शोएब पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। तीन साल तक कोर्ट में हत्या का केस चलने के बाद आखिरकार ये साबित हो गया कि शोएब अपनी पत्नी अंजू की हत्या के लिए दोषी हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि शोएब इलियासी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही हत्या का मामला होने की वजह से ये भी मुमकिन है कि कोर्ट उन्हें फांसी की सजा भी सुनाए। बहरहाल शोएब इलियासी को कोर्ट कौन सी सजा और कितनी सजा सुनाएगी ये 20 दिसंबर को फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज में से एक है अंजू इलियासी मर्डर केस, जिसमें अपराधी को सजा सुनाने में 17 साल का वक्त लगा। शोएब इलियासी ने आखिर कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया? आखिर शोएब और अंजू के बीच ऐसा क्या हुआ कि शोएब ने अपनी ही पत्नी अंजू को मौत के घाट उतार दिया? देखिए इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे एक एक सच को। शिव प्रकाश शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का एक ऐसा नौजवान था जिसके खौफ और आतंक से तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार कांपता था। हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम वंस अगेन। इंडियाज मोस्ट वांटेड चेहरे को पहचान लीजिए। इस शख्स का नाम ब्रिजेश कुमार सिंह है। अपराधी नंबर एक ब्रिजेश कुमार सिंह इस हफ्ते इंडियाज मोस्ट वांटेड के निशाने पर है।
मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे का रास्ता दिखाने वाले शख्स शोएब इलियासी पर जब अपनी पत्नी की हत्या का केस दर्ज हुआ तो पूरी दुनिया की निगाहें इस अपराधी पर उठ गई। जरिए पहुंचाए गए पैगाम भी हम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन दोस्त इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अपने मुल्क और आवाम के साथ धोखा करने के बाद तुम्हें आजाद हवा में घूमने का कोई हक बाकी नहीं है। शोएब अपने रियलिटी शो में अपराध और अपराधियों की एक एक पड़ताल को पेश करते थे, लेकिन जब खुद क्रिमिनल के रूप में दुनिया ने उन्हें देखा तो वो जैसे गायब ही हो गए। सरकारी ठेके नवाजे जाते हैं और बेशक इन तमाम भ्रष्टाचारी सरकारी अफसरान और भ्रष्टाचारी नेताओं को जो कि इन माफियाओं के साथ मिली भगत रखते हैं, कुमार सिंह इंडियाज मोस्ट वांटेड के करोड़ों निगाहों से बच पाएगा। सो लेट्स स्ट्राइक वंस अगेन टू पुट दिस अलेजेड क्रिमिनल। तलाश करने की ठानी है कैसे दुर्दांत कथित अपराधी को जो आपराधिक वारदात करता है लेकिन उसको कभी सजा न हो उसका भी पूरा इंतजाम करता चाहिए। टीवी पर पहला रियलिटी शो पेश करने वाला शोएब इलियासी उस वक्त बुरी परिस्थितियों में फंस गया जब 11 दिसंबर 2000 को उसकी पत्नी अंजू इलियासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंजू के शरीर पर चाकू से वार किए जाने के जख्म थे। शुरुआत में अंजू की मौत को खुदकुशी समझा गया, लेकिन कुछ महीने बाद जब अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के सामने यह बयान दिया कि शोएब ने अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया, उसके बाद पुलिस ने इलियासी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शोएब ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का खंडन किया था। अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि तरुण गौतम ने सत्र न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की थी। अलीगढ़ के सत्र न्यायाधीश ने तरुण गौतम को श्री ब्रजेश सक्सेना की हत्या के मामले में दोषी पाया था और श्री मुकेश उपाध्याय की गवाही ने ही इस कन्विक्शन में एक अहम रोल अदा किया था। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले शोएब और अंजू की प्रेम कहानी को जानना होगा। वो साल था 1989 जब शोएब और अंजू दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में एक साथ पढ़ा करते थे। दोनों की बातें हुई, फिर दोस्ती हुई और ये दोस्ती कई मुलाकातों में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे से मिलते मिलते कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए पता ही नहीं चला और दोनों का प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शिव प्रकाश शुक्ला जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का एक ऐसा नौजवान था जिसके खौफ और आतंक से तबाह शुक्ला जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का एक ऐसा नौजवान था जिसके खौफ और आतंक से तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार IIT कानपुर में अधिकारी अंजू के पिता को जब इन दोनों के प्यार की खबर लगी तो वे इस प्रेम संबंध के खिलाफ हो गए। इसके बावजूद दोनों ने साल 1993 में लंदन में विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रेम विवाह कर लिया। अंजू ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर अफसान रख लिया था, लेकिन साल 2000 तक आते आते दोनों के संबंधों में खटास बढ़ने लगी थी। अंजू शोएब से तलाक लेना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े हो रहे थे। और एक दिन यानी कि 11 दिसंबर को अंजू की बहन रीता को एक फोन आता है। वो फोन अंजू का था। वो बेहद घबराई हुई थी। रीता ने जब पूछा, क्या बात है अंजू, तूने मेरा नंबर डायल किया है? मैं रीता बोल रही हूँ, तू ठीक तो है? इस पर अंजू ने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है, तुम शोएब से बात करो। फिर शोएब ने रीता को बुलाया, अंजू और मेरे बीच झगड़ा हो गया है, बात काफी बिगड़ चुकी है और अंजू खुदकुशी करने की धमकी दे रही है। ये सुनकर रीता घबरा जाती है। रीता शोएब से अंजू की बात कराने को कहती है, लेकिन शोएब कहता है कि अंजू बात नहीं करना चाहती और इतनी बात होते ही फोन कट हो जाता है। और फिर खबर मिलती है अंजू की खुदकुशी करने की कोशिश की। अंजू को संदिग्ध हालात में अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। खुदकुशी और हत्या के बीच झूलता रहा अंजू मर्डर केस पिछले 17 साल से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। ये गुत्थी यूं ही नहीं सुलझती, इसमें कुछ और भी कड़ियां हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।